नमस्कार, इजी टू लर्न चैनल में मैं संगीता डेजी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बनाएंगे फीकी मठियाँ, जिन्हें आम के अचार के साथ खाया जा सकता है। करवा चौथ पर इन मठियों को स्पेशल खाया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं बनाना फीकी मठियाँ। मट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। मैंने एक कप मैदा लिया है। इसमें हम मठियाँ को खस्ता बनाने के लिए इसमें मोइन डलता है। मैंने रिफाइंड लिया है। रिफाइंड की क्वांटिटी सही मात्रा में डलनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा डल गया तो मठियाँ नरम पड़ जाएंगी और कम पड़ने से मठियाँ सख्त हो जाएंगी। जनरली 2 कप मैदा में 1/4 कप मोइन सही रहता है और मैदे की क्वालिटी के हिसाब से इसकी रेशियो कम ज़्यादा भी हो सकती है। जनरली ये इतना होना चाहिए कि हमारे जो मैदा है वो ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाए, इसलिए पहले मोइन डालकर हम इसको मैदे में अच्छे से मिलाएंगे। अब हम पानी डालकर सख्त आटा गूंदेंगे। मठियाँ बनाना बहुत आसान काम है, बट इसमें हमारी मोइन का जो रेशियो है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और आटे को हमने ज़्यादा नहीं मलना। आटा हमारा गूंद गया है। अब हम गीले कपड़े से इसको ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा आटा गूंदे 20 मिनट हो चुके हैं। एक तरह साइड हम तेल गरम करना रख देंगे और हम अब मठियाँ बनाना शुरू करेंगे। मट्टी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा हम मीडियम मोटी रखेंगे। मट्टी के ऊपर इस तरह से छेद कर लेंगे ताकि ये तेल में हमारी फूलेंगे। चेक कर लेंगे, थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डालेंगे। ये एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए, तो हमारा तेल सही गर्म है। यदि तेल ज़्यादा गर्म है तो थोड़ी देर ठंडा होने का वेट करेंगे। अब मट्टी को तेल में छोड़ देंगे। मट्टी हमारी धीरे धीरे सिकनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है, नहीं तो मट्टी अंदर तक नहीं सिकेगी। थोड़ी देर बाद पलटा देंगे। मट्टी बनाना बहुत आसान काम है, बस आपको इन 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि एक तो हमें मोइन सही मात्रा में होना चाहिए और दूसरा मट्टी तेल में धीरे धीरे सिकनी चाहिए। तो मट्टी हमारी बढ़िया खस्ता बनेगी। तेल का टेम्परेचर हमें अपने हिसाब से मीडियम लो करना पड़ेगा। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो लो कर लें और ठंडा पड़ जाए तो उसको थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, लेकिन मट्टी हमारी धीरे धीरे ही सिकनी चाहिए। ये मट्टी अब हमारी सिकनी शुरू हो गई है, हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, फिर उसके बाद निकाल लेंगे। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मट्टी को निकाल लें। लीजिए, बढ़िया खस्ता मठियाँ तैयार हैं। इन्हें आम के अचार के साथ खाने का मजा लें। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।